अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया सद आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े का हेयर स्टाइल, जो आप लोगों का बहुत ही फेवरेट हेयर स्टाइल कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंडी है और लड़कियों का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हेयर स्टाइल है, क्योंकि सलोन पे आने वाली हर दूसरी लड़की की फरमाइश यही हेयर स्टाइल होता है कि थोड़ा सा हाई वॉल्यूम हमें स्टाइल चाहिए। तो चले जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियोज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम लोग अपने रियल क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। इस वक्त बालों में कॉम्बिंग करने के बाद सेक्शनिंग की है और अब हम लोग कर रहे हैं क्रिम्पिंग, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के बाल काफ़ी सिल्की थे और सिल्की बालों पे स्टाइलिंग होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग पहले लाइट सी क्रिम्पिंग लाजमी कर लेते हैं। इस वक्त हम लोग कर रहे हैं जी, पहले हम लोगों ने टी सेक्शन निकाल के दोनों साइड्स फ्रंट साइड को क्रिम्पिंग कर लिया है। अब हम क्राउन सेक्शन पे आ गए। क्राउन सेक्शन का ऊपर वाला पार्ट लेकर हम उस पर क्रंचिंग कर रहे हैं। बाकी के बाल हमें स्ट्रेट ही चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नीचे वाले बालों को नहीं छेड़ा, सिर्फ क्राउन सेक्शन के बालों को क्रिम्प कर रहे हैं जी। तो जल्दी से इसको क्रिम्प कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट के हेयर स्टाइल पर। अब हम लोगों ने निकाल लिया जी सेंटर मांग। सेंटर मांग निकालने के बाद अब हम लोग क्राउन सेक्शन में एक राउंड सेक्शन उठाएंगे और उसमें कर देंगे पोनी, हाई पोनी, ठीक है। इस ये स्टाइल आजकल क्योंकि बहुत ट्रेंड है, ट्रेंडिंग में है, तमाम मीडिया मतलब इसी स्टाइल से ज़्यादातर फिल अप है, तो लड़कियों की ज़्यादातर डिमांड यही होती है। आपको पता है सलोन में आने वाली हर लड़की, आने वाली हर क्लाइंट की अपनी एक डिमांड होती है, वो मतलब जिस तरह की स्टाइलिंग उनको चाहिए होती है। आजकल तो यही कुछ करती हैं बच्चियाँ, पिक्चर्स लेकर आती हैं कि इस तरह की स्टाइलिंग करवानी है, तो हमें उसी चीज़ को फॉलो करना होता है। इस वक्त हम लोग कर रहे हैं जी क्राउन सेक्शन में एक आप देखिएगा राउंड सेक्शन उठाएंगे और उसमें कर देंगे रबर बैंड की मदद से पोनी, हाई टेल कर देंगे और उसमें हम लोग ज़्यादा सारी बैक कॉम्बिंग करेंगे। आप वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक हेयर स्टाइल बनने वाला है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और एलिगेंट स्टाइल है जी। तो क्योंकि इनके बालों का वॉल्यूम काफ़ी कम था, तो हमें इस स्टाइल में हम लोगों ने एक्सटेंशन भी यूज़ की है। इनको हम बैक के तमाम बालों में स्ट्रेटनिंग चाहिए थी, नहीं तो ज़्यादातर इस स्टाइल में कर्ल्स वगैरह करवाती हैं बच्चियाँ, लेकिन इन्हें स्ट्रेट बालों की लुक चाहिए थी, जिसके लिए हम लोगों ने तमाम काम किया है। आप पूरी वीडियो को प्लीज़ गौर से देखिएगा, बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही आसान है बनाने में, आप एक दफ़ा भी ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे, इसलिए मैंने आपको ये हेयर स्टाइल आपके साथ लाजमी शेयर किया है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सलोन रन करती हैं तो आपके लिए ये बहुत ट्रेंडी है, आपका काम अगर अच्छा होगा तो लाजमी बात है आपके पास क्लाइंट्स भी शौक से स्टाइलिंग करवाएंगे, क्योंकि आजकल मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किए जाते हैं कि आपकी स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छी हो। तो कोशिश किया करें जो भी हेयर स्टाइल देखें उसको ट्राई ज़रूर किया करें, ताकि आपकी स्टाइलिंग भी अच्छी हो सके। प्रैक्टिस जो है वो हमारे काम में बहुत ज़रूरी और बहुत मतलब अच्छा रोल अदा करती है। आप देख रहे हैं कि मैंने पोनी के तमाम बालों के एक एक सेक्शन को लेकर उसमें बैक कॉम्बिंग की है। अब ऊपर से हम हल्का लूज हाथों के साथ कॉम्ब करके ऊपर से थोड़ा सा नीट कर लेंगे, तमाम जितना भी सेक्शन हम लोगों ने बैक कॉम्ब किया है उसको ऊपर से लूज कॉम्ब के साथ, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से हम कॉम्ब करते हुए लाइट लाइट सी उसको ऊपर से नीट कर लेंगे। अब आ जाएंगे जी फ्रंट पे। फ्रंट पे हम लोग पहले बिंदिया सेट करेंगे, क्योंकि हमारी क्लाइंट की फरमाइश थी कि उन्होंने बिंदिया और झूमर सेट करवाना था, तो सेंटर मांग में हम सबसे पहले बिंदिया को सेट करेंगे। आप बिंदिया सेट करने का तरीका भी देख लें, ये इंतहाई सिंपल और ईजी है। ज़्यादातर मतलब इसी तरीके से हम लोग जल्दी से स्टाइलिंग में बिंदिया सेट कर लेते हैं। बिंदिया की अगर मतलब लेंथ जो उसकी चेन की लेंथ छोटी हो तो हम उसके साथ फाइन पिन को लगाकर जो वायर वाली पिन होती है उसको हम लोग उसमें अटैच कर लेते हैं और इजीली उसको पिन अप कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जी फ्रंट के सेक्शन पे। फ्रंट के सारे सेक्शन पे हम लोग बैक कॉम्बिंग करेंगे। इनको तमाम बाल पीछे की तरफ चाहिए थे, जिसके लिए हम लोगों ने पहले सारे बालों को एक एक सेक्शन लेंगे और बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे और बैक की तरफ करते जाएंगे। ये देखें, आपको मैंने हर स्टाइल में बताती हूँ कि आजकल बेसिक
चीज़ों को यूज़ करते हुए हम एडवांस हेयर स्टाइलिंग की तरफ जाते हैं। ये भी हमारा काफ़ी लेटेस्ट और एडवांस हेयर स्टाइल है, लेकिन देखें बेसिक जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है, हमारी हेयर स्टाइलिंग की बेसिक जो है वो बैक कॉम्बिंग यूज़ हो रही है। मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया करें, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपकी अगर परफेक्ट होंगी, अगर उसमें आपका हाथ नीट होगा, तो आपकी तमाम स्टाइलिंग बहुत अच्छी बनेगी। आप देख लें, ये तो सारे हेयर स्टाइल में हम लोग एक ही टेक्निक पे काम कर रहे हैं, बैक कॉम्बिंग पे। बैक कॉम्बिंग करते हुए हम लोगों ने तमाम सेक्शन को बैक की तरफ लेकर आना है। लास्ट में स्ट्रेटनर की मदद से फ्रंट को नीट करते हुए बैक पे लाकर पिनअप कर देंगे, फ्रंट पे झूमर सेट करेंगे और साइड पे हेयर एक्सेसरीज सेट कर देंगे। आप पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इंतहाई आसान है ये बनाने में। तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को शूट भी किया और इस एडिट करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो मेरी इस कोशिश के बदले मुझे जस्ट आप लोगों से एक लाइक चाहिए होता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी इस 8 से 10 मिनट की जो वीडियो हम बनाते हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। अभी भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ के तो आप लोगों के लिए इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं वीडियोस को बनाने में। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों से जस्ट 1 लाइक चाहिए होता है हमें, कि आप वीडियो को देख कर एक लाइक ज़रूर दिया करें। हमारी मेहनत का ये जो लाइक होता है ना, हमें मोटिवेट करता है कि अब नए सिरे से एक और वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर सके। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये स्टाइलिंग कैसी लग रही है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और न्यू स्टाइलिंग की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।